फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट नंबर 5, चैप्टर नंबर 12, वर्किंग इन टीम्स। तो ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट TYBSCIT सेमेस्टर 5 का सब्जेक्ट है और ये बहुत ही यूजफुल सब्जेक्ट है, नॉट ओनली फ्रॉम द सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज इसके जो भी टॉपिक्स है वो आपको सिर्फ इसी वीडियो में क्लैरिफाई हो जाएंगे। तो आप ये सारा प्लेलिस्ट जरूर देखिए। अब हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बिकमिंग अ टीम। सो उसके लिए हमारे पास 5 स्टेजेस है फॉर टीम डेवलपमेंट। पहला आता है फॉर्मिंग। फॉर्मिंग मतलब हमें एक टीम को क्रिएट करना है, तो उसे हम बोलते हैं फॉर्मिंग स्टेज। तो जब भी हम टीम क्रिएट करते हैं तो कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, तो हमें प्रोग्रामर्स चाहिए, टेस्टर चाहिए, सिस्टम एनालिसिस की टीम चाहिए, हमें गैदरिंग रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टीम चाहिए। तो ऐसे करके हम अलग अलग टाइप के लोगों को एक साथ मिला के एक टीम क्रिएट करते हैं। अब जब हम टीम क्रिएट करेंगे एक ऑर्गेनाइजेशन में तो डेफिनेटली क्या होगा, स्टॉर्मिंग, मतलब हमें सबको एक साथ लाना है, मीटिंग कंडक्ट करना है और लोगों को बताना है कि दिस इज योर टास्क। तो हर एक पर्सन की जो एक इंडिविजुअल एक होता है कि रेजिस्टेंस की टीम के साथ काम नहीं करना है, ऐसा जो एक रेजिस्टेंस होता है, तो बाद में क्या होगा, जैसे टीम वर्क शुरू, टीम एक साथ काम करने लगेगी तो डेफिनेटली उसमें क्लैशेस जरूर होंगे, मतलब वो आ जाएगा हमारा स्टॉर्मिंग। तो उसके बाद हमें क्या करना है, नॉर्मिंग। नॉर्मिंग मतलब हमें जो टीम में छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको हमें रिजॉल्व करना है ताकि टीम मेंबर्स के बीच में एक हार्मनी रहे और हमारा जो प्रोजेक्ट है वो भी अच्छे से प्रोग्रेस करे। तो वो स्टेज है हमारा नॉर्मिंग। फिर जैसे ही टीम के बीच में हार्मनी होगी, सब टीम मेंबर्स अच्छे से काम करेंगे, तो दे विल स्टार्ट परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग मतलब हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाएगा और प्रोजेक्ट परफॉर्म होगा, कंप्लीट होगा। फिर लास्ट में हमें है एडजॉर्निंग। एडजॉर्निंग मतलब हमारा टीम वर्क सक्सेसफुल हो गया, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, तो अब हमें टीम को डिस्पर्स करना है और सारे टीम मेंबर्स को प्रोजेक्ट से रीअलोकेट करना है। सो दिस इज एडजॉर्निंग। सो ये जो 5 स्टेजेस है टीम डेवलपमेंट के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय टकमैन एंड जेनसन। नाउ मैनेजमेंट टीम रोल्स। तो मैनेजमेंट टीम रोल्स, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हमें प्रोग्रामर्स लेना है, एनालिस्ट लेना है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम लेनी है, ऐसे करके अलग अलग टाइप के लोगों को साथ में लाके एक टीम बनाना है, सो दैट दे विल वर्क ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। जैसे अगर सपोज कोई कंपनी का हमें ERP सिस्टम या पेरोल सिस्टम डेवलप करना है तो इसमें हर तरह के लोगों की जरूरत है। तो कौन से टाइप के मैनेजमेंट रोल्स इंपॉर्टेंट है, पहला आता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर मींस गुड एट शेयरिंग मीटिंग्स। वो पर्सन ऐसा होगा जो हर एक के साथ कोऑर्डिनेट करके मीटिंग्स कंडक्ट करेगा, एक दूसरे के बारे में वर्क के बारे में डिस्कस करेगा, तो दैट पर्सन इज द कोऑर्डिनेटर। देन एक पर्सन होता है प्लांट और द आइडिया जनरेटर। सो दिस पर्सन, दिस विल ऑलवेज कम अप विद न्यू न्यू आइडियाज एंड विल हेल्प अस टू गिव न्यू डायरेक्शन टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। फिर आता है द मॉनिटर और इवेल्युएटर। सो दिस पर्सन इज गुड एट इवेल्युएटिंग आइडियाज, मतलब अगर बहुत सारे सजेशंस आ गए तो हर एक आइडिया को लेके इवेल्युएट करके फाइंड आउट करेगा कि विच आइडिया इज गुड, विच सजेशन कैन बी फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। देन आता है शेपर। शेपर मीन्स हेल्प्स टू डायरेक्ट द टीम एफर्ट्स, मतलब अगर प्रोजेक्ट प्रॉपरली राइट डायरेक्शन में जा रहा है नहीं जा रहा है, दिस डायरेक्टर विल चेक एंड विल डायरेक्ट द टीम। एंड देन स्किल्ड वर्कर्स। सो स्किल्ड वर्कर्स आर रिक्वायर्ड हु विल एक्चुअली डू द वर्क इन साइड द टीम एंड दे विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट। सो दीज आर द मैनेजमेंट टीम रोल्स। देन वेलबीन मैनेजमेंट रोल्स। सो वेलबीन हैज गिवन दीज टीम रोल्स। First is the resource investigator, adapted finding resource including information. So this resource investigator will find out different resources that are required for the project, whether it's good, not good, what to purchase, from where to purchase, the tools, techniques, softwares, everything will be identified by this resource investigator. Then comes the completer or the finisher, means if the person is concerned with getting task completed, so this person is always busy completing the task. If the task is left halfway or something, then this person will encourage the team members to complete that task quickly. Then comes the implementer. Implementer is the person who is good at or who is willing to take the
unattractive or less attractive task or maybe the redundant task, and it will ensure that the work is completed by the team. And then comes the specialist, that is the techie in the team, who is actually having knowledge and who is trying to work on different technologies, comparing different technologies and trying to find out the technology which is good for our project. So these type of management roles are important as specified by Belvin. Then group performance. So group performance kya hota hai? Some tasks are better carried out collectively while other tasks are better delegated to individuals. Kyunki aise bahut sare task hote hai jo fatafat ek person kar sakta hai. So we can give it individually to each person. Otherwise, agar ye task bahut hi bada hai to hum use collectively kar sakte hai. Isme aate hai additive task. Additive task kya hai? The effort of each participant is summed up. Jaise agar suppose data entry ka work hai, agar there are 100 pages for data entry. So if 10 pages are given to each person, then automatically we will combine and get the output of 100 pages. दूसरा आता है compensatory task, मतलब the judgment of individual group members are summed up, errors of some compensated by the judgment of others. तो ये हो जाता है compensatory task, मतलब एक person से अगर नहीं हो पा रहा है उसके work में कुछ error आ रहा है तो दूसरा person या दूसरा group उस errors को remove कर सकता है. तो वो हो गया हमारे compensatory task. Then आता है disjunctive task. There is only one correct answer. So someone must come up with the right answer and persuade the others to do that task. मतलब अगर सपोज हमारे पास सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम का, तो हम क्या करेंगे, वो प्रॉब्लम P1 को हम अलग अलग टीम्स को दे सकते हैं फाइंड आउट करने के लिए. और कोई भी एक टीम सपोज सॉल्यूशन लेके आती है, तो अगर वो सॉल्यूशन हमारा अच्छा है तो वो सॉल्यूशन को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. तो ये सॉल्यूशन बराबर नहीं है, बट ये वाला थर्ड वाला सॉल्यूशन गुड है, तो बाकी दोनों को हम रिजेक्ट करेंगे और ये सॉल्यूशन को हम एक्सेप्ट कर लेंगे. तो दिस इज हाउ द डिस्टिंक्टिव टास्क इज टेकन केयर ऑफ. कंजक्टिव टास्क मीन्स द टास्क इज ओनली फिनिश्ड व्हेन ऑल कंपोनेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड. मतलब जैसे अगर हमारे बहुत सारे मॉड्यूल है, बट इसमें से इम्पोर्टेंट मॉड्यूल कौन से है वो हमें देखना है. अगर वो सारे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल जैसे M1, M2, तो अगर सपोज ये इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स है, तो ये जब कम्प्लीट होंगे तो ही हम इंश्योर कर सकते कि पूरा हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो गया. सो दिस वी कॉल इट एज द कंजक्टिव टास्क. Now, social loafing. Social loafing मतलब tendency of some participants to post and let others do the work. Social loafing definitely organization में बहुत होता है कि एक person काम करता रहता है और दूसरा person just time pass करता है. और फिर there is no way to identify how much work is done by each person. And then ये organization में बहुत होता है कि फिर एक ही person काम करेगा और दूसरा काम ही नहीं करेगा. So also tendency not to assist other team members who have problem. या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई team member को problem है तो other team members उसकी help नहीं करेंगे, तो वो प्रॉब्लम में ही अटका रहेगा और बाकी टीम मेंबर्स का काम कंप्लीट हो जाएगा. तो इसको हमें कैसे अवॉइड करना है, हाउ टू अवॉइड दिस सोशल लॉफिंग. सो फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू मीन मेक इंडिविजुअल्स कंट्रीब्यूशन आइडेंटिफाइबल. मतलब हर एक पर्सन क्या काम कर रहा है उसको अलग अलग टास्क दे दो और फिर देखो कि उसने वो टास्क को कैसे कम्प्लीट किया. तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन समझ में आएगा. फिर हमें ग्रुप मेंबर्स मतलब जो लोफर्स होते हैं उनको भी हमें धीरे से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व करना है, हर एक डिस्कशन में उनको इन्वॉल्व करना है. जैसे कि क्या होगा, फिर उन्हें भी पता चलेगा उन्हें क्या काम करना है और डेफिनेटली दे विल वर्क. एंड देन दोज हु आर गुड टीम प्लेयर्स दे शुड बी रिवॉर्डेड. एक जो पर्सन टीम मेंबर्स के साथ अच्छे से कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, डेफिनेटली उनको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है. Now, decision making, we'll discuss in the next video. So, thanks for watching.